हेलो एवरीवन, मैं हूं रोशन कुमार और आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डेली एग्री अपडेट्स 5 से 12 जनवरी तक का। 5 से 12 जनवरी तक जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इवेंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसमें। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने कुछ डेटा दिया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। उसके बाद फिर आसियान कंट्रीज के साथ इंडिया की एक मीटिंग हुई है, सारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स आए हुए हैं, तो उनके साथ मीटिंग में कुछ अच्छी बातें हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो वो सारी बातें मैं देखूंगा। तो आप लेक्चर्स मिस मत करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आपके एग्जाम के लिए। 10 से 15 मिनट के वीडियोस रहते हैं, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लेना पड़ता। अगर ये चीज़ें आप गूगल से पढ़ोगे तो बहुत सर्च करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम वेस्ट होगा आपका। तो अगर आप वीडियोज़ देख रहे हो तो इसमें आपका काफ़ी टाइम बच जाता है, और फिर इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ, तो अगर आप फिर कहीं ये चीज़ें पढ़ते हो तो आपको जल्दी ग्रास्प होता है, अंडरस्टैंडिंग आपकी जल्दी होती है। तो इस वजह से लेक्चर मिस मत करो, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक के पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स मैं डाल रहा हूँ वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचता रहे। और आप व्हाट्सएप का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर है 8237783981। ग्रुप में आपको पता चलता रहता है बाकी लोग कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं PDF शेयर कर देता हूँ। अभी कुछ दिनों से PDF मैं शेयर नहीं किया मैंने, तो एक एक करके वो भी मैं शेयर कर दूंगा। तो चलो डिस्कस करते हैं क्या क्या न्यूज है। आसियान कंट्रीज के मेंबर्स और इंडिया के मिनिस्टर्स, इनकी एक मीटिंग हुई, और एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में ये चौथी मीटिंग, मतलब जो भी मेंबर्स हैं आसियान कंट्रीज के और इंडिया के, इनके सारे एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के मिनिस्टर्स जो भी हैं, इनकी एक मीटिंग हुई, और ये इस तरह की चौथी मीटिंग है। और ये चौथी मीटिंग हुई 12 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में। इस इवेंट को हम थोड़ा डीपली एनालिसिस करेंगे, और मैं थोड़ा बैकग्राउंड भी बता दूंगा, क्या है आसियान कंट्रीज, कैसे बना, क्या इंटरेस्ट है इनका, बहुत ही शॉर्ट में 2 मिनट में डिस्कस करूंगा। बट पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जाम में क्या आ सकता है। तो क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर में ग्लोबल कॉम्पिटेंस को अचीव करने के लिए एक एक्शन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, नाम है प्रमोट कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड R&D एज म्यूचुअली अग्रीड फॉर ग्लोबल कॉम्पिटेंस इन एग्रीकल्चर। और इसके अंडर 4 कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज इंप्लीमेंट किए गए ड्यूरिंग 2013 टू 2015, मतलब 2013 से 2015 के बीच में 4 कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज हैं जो कि चलाए गए अंडर दिस एक्शन प्रोग्राम। आपको बताना है कि जो नीचे दिए हुए ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा है जो कि 4 कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उनमें से एक है। तो पहला है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में IT एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर्स का यूज करना एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में, जिसे ई एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। फिर है नेशनल सीड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, मतलब राष्ट्रीय स्तर का एक सीड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, और फिर चौथा है ट्रांस बाउंड्री एनिमल डिजीज में कन्वेंशनल एंड मॉलिकुलर टेक्निक्स का यूज, और फिर लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, मतलब क्या सारे सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये जो ऊपर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सारे 4 कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज हैं इस एक्शन प्रोग्राम के अंडर। अब चलिए देख लेते हैं न्यूज से रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें जानना चाहिए हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो चौथी मीटिंग थी ये, जो भी आसियान कंट्रीज हैं और इंडिया, इनके एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स जो भी हैं उनकी मीटिंग हुई, और इन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स की ये चौथी मीटिंग थी, और इसके बाद पांचवी मीटिंग 2019 में होगी, और ये जो चौथी मीटिंग है ये नई दिल्ली में हुई 12 जनवरी को। तो इससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं आसियान क्या है, ताकि आपको न्यूज़ समझ में आता रहे। तो आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया है इसके कंट्रीज, ये सारे मिलकर इन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक एसोसिएशन बनाया, इनका कॉमन इंटरेस्ट है, एक जैसे कंट्रीज हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज हैं, तो ये एक कॉमन इंटरेस्ट के साथ इन्होंने कुछ प्लान बनाया कि हम एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये है आसियान कंट्री, इसके प्रेजेंट में 10 मेंबर्स हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं। जब ये शुरू हुआ था 1967 में ये बना था, उस टाइम 5 मेंबर्स थे इसके, अभी इसके 10 मेंबर्स हैं, थाईलैंड, वियतनाम एटसेट्रा। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसका सेक्टरल पार्टनर है, और 1992 में इसका सेक्टरल पार्टनर बना था इंडिया आसियान एसोसिएशन का। और अभी इससे रिलेटेड क्या इवेंट हो रहा है, क्या न्यूज़ है, तो अभी ये न्यूज़ है कि 69th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में 26 जनवरी 2018 को हमने
आसियान कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनको एज चीफ गेस्ट इनवाइट किया है, और उससे पहले कई मीटिंग्स हो रही हैं, आसियान कंट्रीज के जो भी लीडर्स हैं वो आए हुए हैं और सबकी मीटिंग हो रही है। उसी तरह से एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स की भी मीटिंग हुई और उसमें कई इंपॉर्टेंट बातें बताई गई। तो हम देखते हैं एक एक करके, पहला कि ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है, 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, 1967 में बना था, अभी 2017 क्रॉस हो चुका है, मतलब 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है। और आसियान कम्युनिटी विजन 2025 है, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आसियान कंट्रीज ने एक विजन रखा है 2025 कि हम किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करेंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा है 2030, 2030 तक का उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स तैयार कर रखे हैं क्या क्या करके उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेटा दिया गया कि 58% रूरल पीपल या फिर यूथ को हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है, मतलब रोजगार इन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है और इनका परसेंटेज है 58%। और एक चीज़ हमेशा मुझसे कई बार व्हाट्सएप पर लोग मैसेज करके पूछते हैं कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री राधा मोहन सिंह इन्होंने क्लियर किया था कि अराउंड 14% है एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए आसियान कंट्रीज जो है इनके साथ इंडिया का बड़ा अच्छा बनता है क्योंकि इनका इंटरेस्ट सेम है, ये सारे एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज है, इनकी सिचुएशन मोर और लेस एक जैसी है, तो इस वजह से हम एक साथ मिलकर, हमारी इच्छा है कि हम एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके हम आगे बढ़े, और ये मीटिंग उसी का एक परिणाम है। उसके बाद देखिए एक कॉम्प्रिहेंसिव आसियान इंडिया वर्क प्लान फॉर स्ट्रेंथनिंग कॉपरेशन इन फूड एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जिसको शॉर्ट में AIWGF 2016-20 ये ऑलरेडी ऑपरेशन में है, ताकि हम आसियान और इंडिया ये दोनों मिलकर एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री सेक्टर में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उनको हम अचीव करें। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चल रहा है, आसियान इंडिया वर्क प्लान फॉर स्ट्रेंथनिंग कॉपरेशन इन फूड एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, और इसका ड्यूरेशन है 2016-2020। आगे बढ़ते हैं, तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने आपके साथ सबसे पहले वाले स्लाइड में डिस्कस किया था, अंडर द एक्शन प्रोग्राम ऑन प्रमोट कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड R&D एज म्यूचुअली अग्रीड फॉर ग्लोबल कॉम्पिटेंस इन एग्रीकल्चर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज वी आर इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द 2013-14। और ये जो चार कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज हैं ये सारे हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब देखिए ये चौथी मीटिंग है एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स की आसियान और इंडिया कंट्रीज के बीच में। अब ऐसी मीटिंग जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है, पांचवी मीटिंग, ये होगी ब्रुनेई दारुसलेम में 2019 में। तो इस आसियान और इंडिया मीटिंग से रिलेटेड इतना ही। अब हम दूसरा न्यूज देखते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO इसने रिलीज किया है हमारी कंट्री का GDP और GVA, इसका एडवांस एस्टिमेट। GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और GVA होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड एक तरह से दिखाता है कितना ग्रोथ हुआ हमारी इकोनॉमी में, तो हर साल ये डेटा आते हैं। अभी इन्होंने दिया एडवांस एस्टिमेट है, एक तरह का गेस होता है कि हाँ इस साल क्या ग्रोथ रह सकता है, उसे कहते हैं हम एडवांस एस्टिमेट। तो फॉर द ईयर 2017-18 2017-18 के लिए इन्होंने अभी दिया है एडवांस एस्टिमेट। तो सारे डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी डेटा इन्होंने दिया हम उसको देखेंगे एक बार। तो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग फॉर द ईयर 2017-18 इसमें जो GVA होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसको एस्टिमेट किया गया है 2.1%, जो कि लास्ट ईयर था 4.9%, 2016-17 में था 4.9%। तो ये फाइनल डेटा था 2016-17 का, और इस साल का जो एस्टिमेटेड डेटा है कि इतना रह सकता है, तो GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड की जो वैल्यू है जो एस्टिमेट की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि इतना रह सकता है, वो है 2.1%। तो दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है, 2016-17 का GVA था 4.9% और 2017-18 का 2.1%, ये एस्टिमेटेड है, फाइनल साल खत्म होने के बाद हमें पता चलेगा। उसके बाद इन्होंने बताया कि क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग इसमें जो GVA शेयर करते हैं, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं उनका इन्होंने बताया क्या प्रोपोर्शन है। तो क्रॉप्स का बताया 60%, यही उनका बताने का मुद्दा था कि क्रॉप्स का शेयर बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, इसमें अगर ग्रोथ करना है हमको तो इस पर फोकस करना पड़ेगा क्रॉप्स के ऊपर। लाइफ स्टॉक भी इंपॉर्टेंट है, 20% है, बट क्रॉप्स के इतना नहीं है।
क्रॉप्स में हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन क्रॉप्स, एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स सारे आ जाते हैं। फिर फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग 8.5% है, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर 5.5% है। तो ये सारे शेयर्स हैं, जीवीए शेयर्स हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग में, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स के कितने कितने शेयर हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि लास्ट ईयर का जो खरीफ सोइंग थी 106.55 मिलियन हेक्टेयर थी डिस्पाइट पुअर रेनफॉल, मतलब खरीफ के सीजन में हमें अच्छी बारिश नहीं मिली थी, उसके बावजूद हमने अच्छा किया था खरीफ की सोइंग में। अगर हम कंपेयर करें पिछले 5 साल के एवरेज से, तो पिछले 5 साल का एवरेज है 105.86 मिलियन हेक्टेयर, और पिछले साल बावजूद इसके कि हमें अच्छी बारिश नहीं मिली, उसके बावजूद हमने 106.55 मिलियन हेक्टेयर खरीफ की सोइंग की थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि खराब कंडीशंस में भी हमने अच्छा किया था, तो अगर हमें कंडीशंस अच्छा मिलता है तो हम और भी अच्छा कर सकते हैं। इसलिए सरकार थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक है कि हाँ, हम जो अभी ये डेटा दिखा रहे हैं कि 2.1% है, हो सकता है इसको हम क्रॉस कर जाएं, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा भी हम कर सकते हैं अगर कंडीशंस अच्छे रहते हैं तो। क्योंकि जो रबी की सोइंग है ये अभी तक बहुत अच्छी चल रही है। देखिए जो लेटेस्ट डेटा है 12 जनवरी 2018 तक, तो इस साल का जो टोटल सोइंग है, रबी सोइंग है, वो है 609.51 लाख हेक्टेयर। ठीक है, और लास्ट ईयर 12 जनवरी 2018 तक जो रबी सोइंग थी वो थी 615.09 लाख हेक्टेयर। ये पिछले साल का डेटा है और इस साल है 609.51। तो देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, हालांकि थोड़ा सा कम है, बट बहुत ही क्लोज डिफरेंस है दोनों में। तो अगर सारे कंडीशन सही रहते हैं तो हो सकता है हम जो ग्रोथ रेट है, जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है, उसको हम पीछे छोड़ दें और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। और एक बात कि ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कई और भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या कृषि सिंचन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई नाम, ये सारी चीज़ें हैं, सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि चलाए जा रहे हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड है, ये सब इसलिए चलाया जा रहा है ताकि जो हमारा एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है इसको हम क्रॉस कर सकें, हो सके तो 4.9% जो पिछले साल का था एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँच जाए। ज़मीन हमारे पास उतनी ही है, उतनी ही शोइंग होने वाली है, तो हमें फोकस कहाँ करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, और इसीलिए ये सारे स्कीम्स चलाई जा रहे हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा योजना, हमें पर यूनिट एरिया पर जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए फोकस करना है। और क्या क्या किए जा रहे हैं, तो देखो इन्होंने बताया कि 2016-17 मतलब पिछले साल का जो वर्ष था, फसल वर्ष, उसमें 9 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया था, एज लोन आप बोल सकते हो, दिया गया था। ठीक है, जो कि इस साल 10 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ ज़्यादा दिया है इन्होंने। तो उम्मीद की जा रही है कि हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा इनपुट दे रहे हैं, तो हमें आउटपुट भी अच्छा मिलेगा, तो इसलिए सरकार थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक है। तो जीवीए में 2.1% एस्टिमेटेड वैल्यू है 2017-18 की, और 4.9% है लास्ट ईयर का डेटा जीवीए का। ठीक है, और एक चीज़ जो बार बार मुझे लोग पूछते रहते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैं देखता हूँ या फिर यूट्यूब चैनल में भी कमेंट करके पूछते हैं, तो मैं बता देता हूँ, जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे एग्रीकल्चर में वो है 14%। अभी कुछ दिन पहले राधा मोहन सिंह ने अपने स्पीच में ये कहा था 14% अराउंड है, और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 17%, बट 17% 3-4 साल पहले था, अभी नहीं है, अभी 14% है। हालांकि नेट पे कहीं कहीं दिखाते हैं, बट मैं जो ये 14% बता रहा हूँ ये खुद श्री राधा मोहन सिंह ने अपने स्पीच में कहा है, तो आप इसको मान सकते हो 14% इज द एक्चुअल वैल्यू। तो ये बातें हैं सीएसओ ने जो डेटा रिलीज किया उससे रिलेटेड। तो ये था हमारा डेली एग्री अपडेट्स, इसमें मैंने 5 से 12 जनवरी तक का सारा जो भी न्यूज़ था इम्पोर्टेंट वो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। अब कोशिश करूंगा रेगुलर रहने की, क्योंकि मैंने बीच में बहुत सारे वीडियोस बनाए, जैसे कि लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा, फिर दिसंबर का पार्ट 2 वीडियो भी बचा हुआ था वो मैंने बना दिया करंट अफेयर्स का, तो वो सारे मैंने बना दिए हैं। अभी जनवरी का पार्ट 1 बनाना बाकी है, और डेली एग्री अपडेट्स कोशिश करूंगा कंटिन्यू रखने की, और पीडीएफ मैं कोशिश करूंगा अब रेगुलरली शेयर करूं अपने ग्रुप में। और वीडियो को शेयर करना आपका काम है, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी वीडियो आपका छूटे ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता हूँ। क्वेश्चन तो बाद की बात है, बट जो मैं बातें बताता हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। थैंक यू वेरी मच।